आई थिंक 150 साल पुराना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल आज का जो ब्लॉग है वो इंडियन कॉफ़ी हाउस के ऊपर में ब्लॉग होने वाला है, जो कि बहुत ही पुराना, मतलब ब्रिटिश टाइम से वो कॉफ़ी हाउस है। 1976 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था और बहुत ही पॉपुलर कॉफ़ी हाउस है। फिलहाल अभी तो मैं कॉफ़ी हाउस के लिए निकल रहा हूँ, जब वहाँ पहुँच जाऊँगा वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस में और ये शायद ऊपर वाले फ्लोर में है, तो अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैं आगे पहुँच चुका हूँ द इंडियन कॉफ़ी हाउस में। नाम थोड़ा यूनिक है ना। हाँ यार, जहाँ भी इंडियन नाम आता है ना, सीना मतलब 46 का हो जाता है भाई, बिकॉज वी आर इंडियंस, आई लव इंडिया। तो छोड़ो, टॉपिक पर आते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ द इंडियन कॉफ़ी हाउस में। जस्ट मतलब इसका दो फ्लोर है, एक ऊपर वाला फ्लोर है और एक नीचे वाला फ्लोर है। पहले आपको एक झलक देता हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस का, उसके बाद मैं इसका मेनू आपको दिखाऊंगा क्या क्या है इसके मेनू में। ये पहले इंडियन कॉफ़ी हाउस का। हाँ दोस्तों, और एक बात रहा कि ये जो कॉफ़ी हाउस है ना, ये बहुत ही पुराना कॉफ़ी हाउस है कोलकाता का। मतलब 1876 मसीह में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब सोच सकते हो आई थिंक 150 साल पुराना है। और देखते हैं, अभी आपको मैं मेनू इसका दिखाता हूँ। मेनू दिखाने के बाद मैं कुछ पीते हैं। यार बहुत प्यास लगा अभी, बिकॉज बहुत धूप में, बहुत कड़ी धूप में आया हूँ यहाँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। चलो अभी देखते हैं मेनू में क्या है। उधर थोड़ा शोर सारा हुआ थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि नीचे आदमी बहुत ज़्यादा है। और ये जो मतलब कॉफ़ी हाउस है ना, ये कोलकाता का बहुत पुराना है, मतलब ब्रिटिश टाइम से ये मतलब कॉफ़ी हाउस है। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ से ना है एक कॉलेज स्ट्रीट, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही आते हैं। तो गाइस, फाइनली मेरा कोल्ड कॉफ़ी आ चुका है। नाम तो बहुत मशहूर है, लेकिन अब कॉफ़ी पी के देखता हूँ टेस्ट कैसा है। पहले कॉफ़ी पीता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉफ़ी का टेस्ट क्या है। तब तक के लिए आप, मैं कुछ सिनेमेटिक्स लेता हूँ, आप इन्जॉय कीजिए। दोस्तों, कॉफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था कि ज़्यादा बुरा नहीं था, ठीक ठाक चलेगा, काम चला लेंगे, क्या कोई बात नहीं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सीधा मतलब कॉफ़ी पीने के बाद मैं वहाँ से निकल गया था, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ही बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोचा इतना पुराना मतलब कॉफ़ी हाउस, चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब सभी से मुलाकात होगा फिर एक नए ब्लॉग के साथ।